आज मैं आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कुछ केस डिस्कस करूंगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि हालांकि ये क्योर वर्ड नहीं है इस बीमारी में, लेकिन इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जो रोज डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस बीमारी की वजह से, उसमें काफी राहत मिल सकती है। बाहर का विजन टेस्ट करना इजी है, इस लेंस चार्ट में अपन देखते हैं या नियर विजन चार्ट में देखते हैं कि आज एक लाइन पढ़ रहा है कोई आदमी 6 मीटर से, तो 2 लाइन पढ़ रहा है, 3 लाइन पढ़ रहा है, इजी है। नियर विजन में भी कोई बड़ा फोन पढ़ रहा है, फिर उससे छोटा फोन पढ़ने लगा, फिर और छोटा फोन पढ़ने लगा, वो भी इजी है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है रेटिना में, जिसकी की प्रॉब्लम है, इसका नाम है जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिना जो कि बहुत सेंसिटिव लेयर ऑफ द आईज है, जो कि इससे अफेक्टेड होती है, उसमें क्या चल रहा है वो हमें एक फील्ड टेस्ट या पेरिमेट्री टेस्ट से मेजर करते हैं। जैसे मैं आपके सामने 2 केस स्टडी बताना चाहूंगा। पहला केस स्टडी जो इस लड़के का है, ये पेरिमेट्री रिपोर्ट है। इसमें जो पेरिफेरी पार्ट है वो ब्लैक जो है वो खराब विजन का पार्ट है। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला है कि इसकी टनल विजन हो जाती है, धीरे 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 पेरिफेरल लॉस होने लगता है और टनल धीरे 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 छोटी होती जाती है। टनल अगर बंद हो जाती है तो ब्लाइंडनेस होने का डर रहता है। तो इस केस में जो सेंटर में विजन है, जो सेंटर में लाइटर पार्ट है, वो टनल है इसका छोटा, जहां से वो देख पा रहा है। पेरिफेरी जो ब्लैक है वो पार्ट है जो पेरिफेरी में जो देखने में तकलीफ होती है, क्योंकि इसमें तकलीफ मैंने बताई थी सिम्टम आपको, रात को देखने में तकलीफ होती है, अंधेरे में मूवमेंट में तकलीफ होती है, सीढ़ियाँ उतरने में तकलीफ होती है, क्योंकि डेप्थ परसेप्शन नहीं होता। और इम्पॉर्टेंट चीज पेरिफेरी में तकलीफ होती है, क्योंकि सपोज जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, जैसे यहाँ तक मैं देख पाता हूँ, लेकिन RP रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या नाइट ब्लाइंडनेस के पेशेंट्स को अगर राइट में देखना है तो ऐसे नहीं देख पाएगा, उसको ऐसे मुड़ के देखना होगा, क्योंकि वो टनल विजन हो जाती है उसकी, और टनल धीरे 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 छोटी होती जाती है। इस केस में टनल ये है इसका, जहां से वो देख पा रहा है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इसका जो इम्प्रूवमेंट हुआ, देखिए कितना चेंजेस है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, फिर से पहला पेज निकालता हूं। अगर ये टनल का जो ब्लैक पार्ट है ब्राउन में कन्वर्ट होता है तो बेटर विजन है, तब कन्वर्ट होता है। अगर ये रिपोर्ट ब्राउन से ग्रीन में कन्वर्ट होती है तो और बेटर विजन होता है, ग्रीन से येलो में कन्वर्ट होती है तो उससे भी अच्छा बेटर विजन होता है, और उससे बेस्ट व्हाइट। अगर एक नॉर्मल इंसान का फील्ड टेस्ट या पेरिमेट्री टेस्ट किया जाए तो वो व्हाइट होगा। तो अभी मैं चेंजेस जैसे बता रहा था, राइट लिखा हुआ, ये राइट आई की रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट लेकर पेशेंट हमारे पास आया था और उसको अपने फादर के साथ आया था जब स्टार्टिंग में हमारे पास ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इसका पेरिमेट्री रिपीट किया गया, देखिए कितना मार्क इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल सरप्राइजिंग इम्प्रूवमेंट है, जिसमें 3/4 पार्ट काफी क्लियर हो गया है और 1/4 पार्ट भी ब्लैक नहीं रहा, ब्राउन में कन्वर्ट हो गया है। प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट कॉलेज जाता है, मार्केट में घूमता है, ऐसे नॉर्मल पर्सन पहले इसको जैसे सपोर्ट की जरूरत हो सकती थी, जैसे अपनी फैमिली के साथ आया था, इंडिपेंडेंटली फॉलोअप के लिए आता है, रिमार्केबल चेंजेस आते हैं। उसका लेफ्ट आई वॉज इक्वली बैड एज राइट आई, राइट आई जैसे ही खराब था वो भी, देखिए लेफ्ट लिखा हुआ यहाँ पर, इतना ही ब्लैक चारों तरफ, सेंटर में वैसे ही टनल विजन। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट दोबारा जब उसका पेरिमेट्री निकाला गया तो देखिए कितना मिरेकुलस डिफरेंस आ गया, 3/4 व्हाइट तो पहले कहीं था ही नहीं, व्हाइट एरिया हुआ, 3/4 एरिया ऑफ द रेटिना, 1/4 एरिया भी ब्लैक नहीं, ब्राउन नहीं, येलो ग्रीन भी होने लगा। दैट शोज ए ग्रेट डिफरेंस इन द रेटिनल स्टेटस। रेटिनल स्टेटस जो अंदर से इस रिपोर्ट से मालूम पड़ता है, दैट इज ए रिमार्केबल डिफरेंस इन दिस केस। अभी मैं आपको दूसरा केस डिस्कस करना चाहूंगा, जिसका 15 दिन में बाद भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट राइट आई की है, डेट भी लिखा हुआ है 15 अगस्त
2021, ये 30 अगस्त 2021, 15 दिन के अंदर ये पेरीमेट्री इस पेरीमेट्री में कन्वर्ट हो गई। जैसे मैंने आपको पढ़ना बता दिया पेरीमेट्री कैसे रिपोर्ट देखते हैं, ब्लैक ब्राउन ग्रीन येलो स्टार्टेड कन्वर्टिंग टू व्हाइट फ्रॉम पेरीफेरी, पेरीफेरी इसकी क्लियर होने लगी। जो खराब पार्ट है, जो अफेक्टेड पार्ट है, धीरे धीरे श्रिंक होने लगा। प्रैक्टिकली इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी विजन के साथ, कलर विजन एंड विजन प्रॉब्लम्स, उससे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले इसको कहीं सर्विस भी नहीं मिलती थी, यह बड़ा प्रॉब्लम परेशान था विजन की वजह से। बाद में इसको एक अच्छी कंपनी में सर्विस मिली जो कि इंडिया की नामचीन कंपनियों में से एक कंपनी आती है। ये राइट आई का है, अभी मैं लेफ्ट आई का बताता हूँ। इसका लेफ्ट आई का जो पहला रिपोर्ट था 15 अगस्त और ये 30 अगस्त, दोनों रिपोर्ट में आप खुद भी जज कर सकते हैं व्हाट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टू पेरीमेट्री और फील्ड टेस्ट रिपोर्ट। नाउ ही गॉट ए वेरी गुड विजन, कलर विजन बिकेम आल्सो क्लियर एंड ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट फॉर हिज विजन इम्प्रूवमेंट एंड स्टिल द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। दिस इज फॉलो अप्स जो आगे रहेंगे वो आगे की वीडियो में आपको आगे के बारे में बताऊंगा। यहां मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये इतनी बेकार बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें ब्लाइंडनेस होने का डर रहता है। इसमें अगर कोई किसी की हेल्प कर सकता है तो अच्छा। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ये प्रॉब्लम है या आगे कहीं फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जिससे इनके ग्रुप होते हैं, आरपी के ग्रुप होते हैं, रेटिना डिस्पिगमेंटल सब, उनमें आप जा सकते हैं तो हेल्प करें, लोगों को बताइए। बाकी मैं इसके बारे में और अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे। थैंक यू।